छोटे में ना तो टेंशन ना कंधों पे मेरे बोझ था, साला ड्रैगन बॉल दे के हमेशा लड़ने को था, सोचता हर दो दिन बाद में लड़ता, अगले दिन तक कोई होश ना ना सोचना कोई योजना, बस तू बना के कोई संकोच ना था, बंदा मुझे भोका ली और साथ में था मेरा भाई, उसके रगों में दौड़ती दारू और नशों में था दुआई, मैं पकता छोड़ दे पे जिद्दी, आखिर है तू क्या चीज रखता, गोल्ड फ्लेक की डिब्बी लाइटर और एक डिब्बी माचिस, रहती ना तो चिंता सबसे बेस्ट कौन सी बीड़ी थी, सबसे धांसू वाला सुट्टा, फक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टेंशन एक बिंदा, एक डिब्बा था कोटा दिन का, सिगरेट के लेके कश बनाना हवा में जो था रिंग अप, वो घट के ब्रूस ली से ज्यादा हो चुका था तिनका, जैसे जूस लिया हो जितना था और फेंक दिया हो फिल्टर, उसे पीते हुए एक दिन पड़ोसी देख पेलिस, मेरे गानों से भी जल्दी उसकी दारू की बातें फैली, मैंने काफी चीखा रोका उसे, काफी पीटा होगा, मुझे देख के भी कहने लगे साला ये भी पीता होगा, ऐसे ही फिर एक दिन किसी के घर के नीचे बैठ के कर रहे थे यम बातें, वो बैठा सिगरेट को मुंह में चेप के, देखा मैंने दो अंकल को आते अपनी तरफ भर के, गुस्से में थे बुड्ढे सीधा आके मुझसे ऐठे, जितना भी देखूं पीछे तो रिग्रेट ही रहा है, वो बोले साले मेरे घर के नीचे सिगरेट तू पी रहा है, कहाँ पे रहता है तू बदतमीज, मैंने बोला अंकल घर में, तुरंत चढ़े थप्पड़ मेरे, अंधेरा काया मुशी क्षण में, खुद को देख के मुसीबत में, मैंने करी ऊंची ध्वनि कुछ नहीं गूंजी, उसी वक्त में आ गया गुरु जी मम्मी, मारा धो डाला मुझे खत्म मेरा सारा यार, पी तो वो रहा था मैं क्यों पेला जा रहा, सब बंद पड़ चुका बदन बस्ती मन आंखों की बात, दोनों बुड्ढे रुक गए थे कुछ घंटापों के बाद, डिफेंड करूँ खुद को भाई भी झाटू ही कमी ना भूली, गाने के जैसे हाथों में चाकू भी नहीं था, मेरी सांसों में कमी अब यादें आंखों में थमी, सब मेरे टांगों में कमी शक्ति की जागो बे या शेनब, तुम्हें लगता है ये डरना पर ना दोस्त है फटी, अब सीख मिलती है कि पढ़ना फर्जी बातों में कभी मत, मेरे भाई बराबर ना के साथ होके भी नेग्लिजिबल ना, आगे आया एक भी पीपल यही हालातों की हकीकत, जैसे तैसे करके बच के भाग खड़ा हुआ वहां से, मैं पेला जा रहा वहां पे, तब तू था हरामखोर कहां पे, वो बोलिस कुछ नहीं भाई आज जो हुआ सब भूल जाओ, ऐसा लगा वो राखी लोक हुआ और डूब जाओ। डालू नजर बचपन में तो दिखता बस ऐठन में, मानू खुद को सबसे बेहतर में, बोलू हर एक मैटर में, सीधा फोड़ू सर में, अब बस तू कुछ कहकर देखते विश्व के सारे आनंद सबको करता चेक और मेट, मेरा करियर भी ब्राइट दिखता, मेरा भाई भी साइड किकता, गुंडा गर्दी करनी थी हमें भाड़ में जा पढ़ाई शिक्षा, हो रहता दिन भर हाई नशे में, सोता हो के टल्ली, ये सब देख के फैमिली ने बंद कर दी थी पॉकेट मनी, बचे खुचे पैसे खर्च कर दिस्ता बॉटल पर ही, फिर एडिक्शन का मारा पैसों का कुछ स्रोत है नहीं, वो घूमे फोकट है वे कहीं भी उसका फोकस है नहीं, चलते फिरते रोड पर पैनिक लोग चिल्लाते जोकर है भाई, तो ध्यान से सुनना लोगों मेरी स्टोरी बोरिंग कहानी, मेरे भाई ने एक दुकान में सीधा चोरी करनी ठानी, खोज बीन जारियों से मिले मेरे दोस्त की दुकानी, वो उठा लेता था डिब्बी क्योंकि शक तो वब थानी, मेरा भाई और उसका दोस्त दोनों बन गए थे सुट्टा चोर, और यहाँ मैं खुद का बोझ उठा के बदन दुखता रोज, मैं मांगू दोस्त से कुक साले थोड़ी तो ठंडी लावे, जब नजरे हटी उसकी तो भाई का हाथ था अलमीरा में, मैं और मेरे दोस्त अमन थे बिजी जलजीरा में, मेरा भाई और उसका दोस्त मां लेके लगे मंडी जाने, दोनों जल्दी भागे कांड करते ही कंटी मारे, एक एक डिब्बा जाता जेब में बाकी बेची सस्ते दाम में, कहानी सुनते भाई लोग अगर इतने में तुम तो आगे सुनो कैसे बदलेगा इनका बिजनेस मॉडल, चुराने लगे बिस्किट और अब पीना विस्की और रम, क्या धूम टू है चल रही और मेरा बैरित्तिक रोशन, चोरी बेचो धंधा बिल्कुल जबरदस्त सा था, सब दोनों भाई और उसका दोस्त कमा रहे थे या बच्चा खासा, ना मुझे मेरे दोस्त को था जरा सा भी अंदाजा कि पीठ पीछे हमारे चल रहा घमासान सा था तमाशा, दोनों दोस्त निकलते घर से ऑल द बेस्ट कहकर, चोरी करते करते या से मापे कॉन्फिडेंस लेवल, प्रो लेवल का लाइसेंस लेके चलते मेरे भाई, सब करता हाथों की सफाई वो बिना सैनिटाइजर, दोनों रात में नौके आ जाते मन के शॉप पे, एक बातों में उलझाता अगला भरता अपनी पॉकेट, एक एक डिप्पी गायब होती जब भी देता अमन मौके, अपना होती मनी शॉर्टेज इनका धंधा बड़ा और तेज, ये है सबसे शॉकिंग पार्ट स्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों की चोरी की हुई सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग, अमन ने फिर बुलाया बोलिस भाई ये कल की बात देखो जल्दी, आखे मेरी बढ़ती आखे भाई की गलती पाके, आखिर करते क्या थे दोनों गुस्सा या खूब तेज, अमन की जलती झांटे देख के चोरी वाला फुटेज, डरती जब तक भाई और उसका दो शक्ल दिखाते चलती लाते, फिर जैसे युद्ध भूमि में हम हल्दी गाठी, गुस्सा भर के अंदर बैठे थे हम इंतजार में, देखा भाई और दोस्त बजे थे दिन के चार, बीस अमन का मन था पन दोनों इन दोनों को यही गाड़ दे, कफन दफन हम करके उसड़ के इनके मार पे, बड़ा भाई सड़ा था कर नशा चढ़ा था, एक एक झापड़ में थे दोनों हुए धराशाई, तेरी इज्जत से जरूरी तुझे फूकना था, ठीक कटा दी तूने नाक साले, सूप न खा वही खड़ा रहे तू हरामी, अगर जरूरत की साले हिले की
की पहले पार्ट में मैं गया पेला, अब तेरी बारी पिलने की, अब सुट्टा पीने के लिए वो खो चुका था जरिया, फ्री में मिला लेक्चर खत्म हो चुका था करियर बढ़िया, हुआ जो तू साले फंसा खुद से कैमरा में, उतारूंगा जो चढ़ा नशा मुक्ति केंद्र आले, पूरा धंधा रुकने से आ गई संपत्ति में आफत, बहुत हो गया तेरा मारा सीधा कनपट्टी में, झापड़ मारते मारते अफटाफट खत्म हो चुकी थी ताकत, दोनों मांगू माफी अभी अमन से सीधा जाकर, नशे ने उठा कर ला कर रख दिया देख कहां पर मैं पहुंचाना चाहता मैसेज, अब ये पंक्तियों में बता कर कैसे सीख सकते जीना, थे गलतियों में हम आकर जिंदगी का चाकू, हम सिर्फ थे बस वन की ओर चलाते, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें याद रहेगी बात क्यों, सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3 ये नशेड़ी पार्ट 2। तो अभी तक आपने सुना पार्ट 2 में कि कैसे बंद हो गया था धंधा मेरे भाई और सुट्टा चोरी का, पर फिर भी हर दिन वो भर के पी रहा था महंगी दारू और मैं जलता उसे देखता बना खुद का होली का, आखिर ऐसे कैसे पैसे इसको देता हर वक्त कौन, उठा ली मैंने टोपी और बन गया शर्लक होम्स, तो मैंने पहले ये दारू के बिनते परेशान करता भर कर फोन इसको, मैं जाता था एंगेज हमेशा पूरा दिन वो रहता बाहर, घर वाले करते ओवर थिंकिंग रहता सोबर, दिन के टाइम वो लौटे रात में गोबर लिपटे अपने पैरों में, न रह सकता दो पल बिन ये दारू के सफो का सिलते, अपनी इमेज को कर इसने अपने एरोगेंस में दो कर पिस दी सारे जो अब रिश्ते, दिखा दिया नशेड़ी पन फुटपाथ में सोकर इसने, मानसिक संतुलन था बिगड़ा खोकर वो बिजनेस चकना के लिए पैसे ना तो खाता वो था किशमिश, जा सकता था सहरा पे पड़ता उससे मोशन सिकनेस, पैसे जेब में जीरो पर डिमांड ओवर विश लिस्ट, वो टांगे बदबूदार मोजा लिख के उसमें दारू, सेंटा क्लॉज भी भागे इससे जब भी होता क्रिसमस, इन्वेस्टिगेशन चालू बिल्कुल अनकड़ी में लटका, हर चीज लग रही थी पे दुखसी, हर चीज लग रही थी बेमतलब, तब प्रोजेक्टिव बनता जब मैं बैठा बस ऐसे फ्री में, मैं करता था उसका पीछा मेरे नाम असैसिन क्रीड है, मैं जा रहा था अकेले रस्ते पे अंधेरी गली में, घेर डाला मुझको लौंडो ने मंडी के कमीने, एक था तेरा भर के गाली और फेंकता पानी अगला, घेरे खड़े थे बंदे उनमें से एक था हरामी टकला, मेरा भाई था दूर खड़ा पर मुझे पक्का साला, वही बिल्कुल शांत रहिए आप लोग, कोई उन्हें लगा मैं मेरा भाई हूँ क्योंकि एक जैसा चेहरा, खड़े लौंडे बोले साले पैसे वापस कब तू दे रहा, पढ़ने लगे थे सब और वो टकला हरामी लेड़ा बल्ला लिए था आरा, मेरी तरफ कहाँ है आशीष नेहरा, मेरी फट के सीधा हाथ में नर्वस सिस्टम चकना चूर, सामने रखी थी तलवार का टॉर एक पिस्तल गंता दूर, आगे था एक गंजा घूरा जल्दी करना चूस, मुझे मैंने डाला हाथ चड्डी में और निकला नंजा कू, हैया हैया हाँ करी सबकी ऐसी तैसी बू, मुझे मिलने लगी थी ताकत मेरे अंदर जैकी चैन की रू, मेरे साथ थे कुंग फू मास्टर तो मुझको अब डर भी किससे, हम सब पे सुपर हीरो और हम सब के अंदर भी क्रिश है, चोटों से मैं सना हुआ मोबाइल में खाली बैटरी, दर्द में एक शब्द ने निकला जैसे चार्ली चैपलिन, मैं सीधा गया फिर मोमोस खाने भर के चटनी पैक ली, ज्यादा थी कथा खाली अब कल दिक्कत होगी, लेटरिंग में उधार के पैसे से पीते पीते चढ़ गया था कर्जा, जब नशे का तुम्हारी जिंदगी से बढ़ गया हो दर्जा, न तो साथ कोई न देता हाथ, फंसा में जिंदगी में अपनों के कारण, ऐसे में कौन है खास में जाऊं अब किसके पास, अंतरात्मा भी कहती कब होगे पागल, न तो साथ कोई न देता हाथ, फंसा में जिंदगी में अपनों के कारण, ऐसे में कौन है खास जाऊं अब किसके पास, अंतरात्मा भी कहती कब होगे पागल।